क्लास 10 सिमिलर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसको ब्रीफली मैंने यहाँ लिख कर रखा है। देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी एफ पैरल टू ए ई है, ये डी एफ ए ई के पैरल है और दूसरा डी ई ए सी के पैरल है। तो हमें रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो देखिए स्टूडेंट, ये बी पी टी पे बेस्ड है। इन ट्राइंगल हम पहले क्या देखेंगे, डी एफ एंड ए ई पैरल है, तो डी एफ और ए जो पैरल है वो कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ए बी ई में। इन ट्राइंगल ए बी ई इट इज़ गिवन दैट डी एफ पैरल टू ए, डी एफ पैरल टू ए। अब डी एफ और ए पैरल है आपस में, तो यहाँ देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल में ए बी ई में, तो बी पी टी क्या होगा, बी पी टी अप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी बी बी डी अपॉन डी ए। रीजन क्या लिखेंगे, यूजिंग बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि ट्राइंगल में अगर ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइंस को, अगर ये पैरेलल है इसके, तो ये रेशियोस इक्वल होंगे। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ये ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, अब पैरल क्या लेंगे हम, डी ई पैरल टू ए सी, डी ई इज पैरल टू ए सी। ध्यान दीजिए यहाँ पर ट्राइंगल कॉन्सेंट्रेट अलग अलग करने हैं, डी ई अगर पैरल टू ए सी है तो अब रेशियो क्या होंगे, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। सेम रीजन बी पी टी। नाउ फोकस ऑन दीज टू प्रपोर्शंस, एक ये वाला हो गया हमारा, एक ये वाला, इन दोनों को हम फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, तो देखिए क्या मिलता है, बी डी अपॉन डी ए कॉमन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन वन प्रपोर्शन वन एंड दिस इज प्रपोर्शन टू। सो फ्रॉम वन एंड टू, इन दोनों से हमें क्या नतीजा मिलता है, रिजल्ट मिलता है कि बी डी अपॉन डी ए जो है, देखिए ये कॉमन है, तो इक्वल क्या होंगे, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी।